नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमबीजेड न्यूज और मैं हूं श्रृंखला प्रियदर्शनी। बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित किया गया और उनकी जगह फागू चौहान को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बनाया गया है और इसी तरह त्रिपुरा का राज्यपाल रमेश बैस को बनाया गया। बता दें कि नियुक्तियां उन तारीखों से प्रभावी होंगी जब वे अपने संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करते हैं। भोजपुर जिले की पुलिस ने एक देह व्यापार के रैकेट का पर्दाफाश किया, जिसमें पता चला कि नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था और नाबालिग लड़कियों को माननीय से लेकर इंजीनियरों तक पहुंचाया जाता था। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पटना एवं भोजपुर के निवासी हैं। कांग्रेस की कद्दावर नेत्री व दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित नहीं रही, वे 81 साल की थी। शीला दीक्षित के निधन पर बिहार कांग्रेस में भी शोक की लहर है। उनके निधन से बिहार का हर कांग्रेसी सकते में है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा। उनके निधन पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर समीर कुमार सिंह, कांग्रेस के युवा नेता मंजीत कुमार साहू समेत अन्य नेताओं ने शोक प्रकट किया है। इतना ही नहीं, राजद के वरीय नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने भी शोक प्रकट किया है। बिहार कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को हुई। इस सप्ताह यह दूसरी बैठक थी, पहली बैठक बुधवार को हुई थी। 5 एजेंडों पर सरकार ने मुहर लगाई, अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। बता दी कि 2 दिन पहले बिहार कैबिनेट की बैठक में आशा कार्यकर्ताओं पर बड़ा फैसला लिया था। उसमें आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए प्रति माह मानदेय देने पर सरकार ने स्वीकृति दी थी। उस बैठक में बिहार सरकार ने 18 एजेंडों पर मुहर लगाई थी। शुक्रवार को हुई बैठक में फिल्म सुपर 30 को टैक्स फ्री करने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। फिल्म प्रदर्शन शुरू होने के साथ ही सरकार ने ऐलान किया था कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 5 प्रस्ताव पर विचार हुआ। सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय झा शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे। परिसदन में डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएम एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत की समीक्षा की। उन्होंने पानी कम होने के बाद टूटी सड़क की मरम्मत में तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि टूटे वाले स्थल की चौड़ाई ज्यादा नहीं बढ़े, इसके लिए तत्काल सुरक्षात्मक कार्य करें। शहरी सुरक्षा तटबंध की स्थिति का आकलन करने के लिए विभागीय अभियंता को भेजा। मुजफ्फरपुर शहरवासियों को ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से निजात दिलाने की जिम्मेवारी नगर निगम पर होगी। निगम पर रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने एवं प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई का जिम्मा होगा। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जिस इलाके में होगा उसे शांत क्षेत्र घोषित कर वहां इसका बोर्ड लगाया जाएगा। दिन में वहां किसी प्रकार की ध्वनि फैलाने की अनुमति नहीं होगी, अनदेखी पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि चुनार गेस्ट हाउस में बिजली पानी की आपूर्ति रोकना लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है, लेकिन उनकी पार्टी इन हथकंडों से डरकर दलितों और आदिवासियों की लड़ाई लड़ना बंद नहीं करेगी। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में आरोप लगाया कि सोनभद्र नरसंहार के पीड़ितों परिवारों से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को तानाशाही प्रवृत्ति वाली यूपी सरकार का चुनाव गेस्ट हाउस में कैद करके बिना बिजली पानी के रात भर रोके रखना लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है। कांग्रेस इन हथकंडों से डरकर दलितों और आदिवासियों की लड़ाई लड़ना बंद नहीं करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर शुक्रवार रात जिस चुनार गेस्ट हाउस में रखा गया था वहां बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी गई थी। अहमदाबाद दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट की अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के 10 मिनट बाद एक पक्षी के टकराने की वजह से तुरंत लैंडिंग करानी पड़ी। सूत्रों ने बताया फ्लाइट में 97 मुसाफिर सवार थे। हालांकि विमान से एक पक्षी टकरा गया, जिसके कारण उड़ान भरने के कुछ मिनटों के अंदर ही इसे वापस बुला लिया गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से उतार लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली कांग्रेस की मौजूदा अध्यक्ष शीला दीक्षित का शनिवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 81 वर्षीय शीला दीक्षित लंबे समय से बीमार थी। 15 साल तक राजधानी की मुख्यमंत्री रही। दीक्षित का दिल्ली के एस्कॉट अस्पताल में निधन हो गया। शीला दीक्षित के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके गहरा दुख जताया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वो शीला दीक्षित के आकस्मिक निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हैं।